everyone, welcome back to my channel and make sure please do like, share and subscribe my channel for the latest updates. In the last class we did AmbryoSec. Do you remember these three antipodal cells, senescent, egg cell, center cell? If you do remember these all things, means you are ready for the today's session, that is the structure of AmbryoSec and its complete detailed functions. And this is going to be a fabulous class. So let's see the first of all these previous year's board question. कि कौन कौन से questions frame होते हैं from this topic. कैसे questions आते हैं, diagrams पूछते हैं, labeling पूछते हैं, functions पूछते हैं, क्या क्या चीजें आएंगी. So the first question is from this 2014 CBSE. State the function of filiform fetus found in mature embryo sac of an angiosperm. हाँ जी, फिलीफॉर्म प्रेटस का फंक्शन बताना है. वी विल डू कि व्हाट इज फिलीफॉर्म प्रेटस, कहाँ प्रेजेंट होता है, व्हाट इज इट्स लोकेशन एंड इट्स फंक्शन. डोंट वरी. द सेकंड क्वेश्चन, अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन अ फ्लावरिंग प्लांट मे पोजेस 7 सेल्स बट 8 न्यूक्लियाई. एक्सप्लेन द विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली. मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन दिस आंसर ओनली विद अ डायग्राम. जस्ट डायग्राम में इतनी चीजें आपको क्लियर कर देनी है कि वो 8 न्यूक्लियट 7 सेल स्टेजेस उसमें कंप्लीटली विजिबल हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑल द हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट इन एन अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. राइट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन इट. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2013. कि सी हियर द टर्म अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. कि अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, एक फर्टिलाइज मेच्योर एम्ब्रियो सैक है, उसमें आपको बताने नंबर ऑफ हैप्लॉइड्स एंड नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल्स भी, नेम बताने सबके कौन कौन से हैं. दिस थिंग आई विल मेक श्योर कि आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर हो, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन से हैप्लॉइड सेल्स हैं, कौन से डिप्लॉइड सेल हैं. सो देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम द 2013. ड्रॉ डायग्राम ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म. लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट. कि फॉलोइंग पार्ट्स आपको यहाँ पर सिलेक्टिव दिए हुए हैं, भी ये पार्ट्स लेबल करने हैं आपके. ड्रॉ द डायग्राम. ओके, दिस इज कम दिस वाज ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन. कि 3 मार्क्स के अंदर आया था. ये थे आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन. स्टार्ट टुडे सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. कि जो जितने भी आंसर्स है आपके आज के सेशन में यहाँ पर कवर हो जाएंगे एंड साइड बाय साइड फुल अटेंशन, तभी ये सारे आंसर्स आपको क्लियर होंगे. वी डू हैव क्विज सेशन ऑल्सो इन टुडेज क्लास बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो. इवन वी विल डिस्कस द आंसर्स ऑफ द प्रीवियस video also in that session. Clear? We will do this thing in the last of this video. So should we get started this super amazing class on the structure of embryo sac and its function. So without any further delay, let's start this session. So let's draw a diagram G. As you know, this is a oval multicellular structure which is usually embedded inside the nucellus. Embedded in the nucellus. So it is covered by a very thin pectocellulosic layer. कौन सी layer जी? Pectocellulosic layer. यहाँ पे आपको notes भी मिल जाएंगे. Next slide में pectocellulosic layer present है. जो इसकी आपको membrane दिख रही है, that is a very thin which is usually derived from. देखो, ये structure हमारा बना है functional megaspore से जो chalazoland पे था. सो यहाँ पर जो इसकी मेम्ब्रेन डिराइव हुई है, दैट इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम मेगास्पोर. सो इट जनरली कंटेन 7 सेल्स, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 7 सेल्स है इसमें और 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसमें, 8 न्यूक्लियर. सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर की जो हमारे 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई कैसे अरेन्ज है. फिक्स लोकेशन है. सी, आउट ऑफ दी 7 सेल्स 3 सेल्स आर अरेन्ज ऑन चलाजल एंड. 3 cells are arranged on chalazal end in the form of a antipodal cells. They are forming antipodal cells. We can label it as antipodal cells. हाँ जी जी, they have a prominent nucleus. So out of 7 cells, these are the 3 cells and from the rest, and the 3 cells are present at this micropylar end. Mind it, this is a chalazal end
चलाजा एंड दिस वन जी. सो दिस इज अ माइक्रोपाइलर एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास की दिस थिंग चलाजा माइक्रोपाइलर समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बेस पे लोकेशन पूछी जाती है सेल्स की, एंटीपोडल सेल्स कहां पर प्रेजेंट है लोकेशन बताओ, दैट इज चलाजल एंड पे. जो हमारे सिनर्जिड्स हैं कहां प्रेजेंट है, दैट इज एट द माइक्रोपाइलर एंड, जहां से पॉलन ट्यूब की एंट्री होनी है, जहां पर हमारी एक स्मॉल ओपनिंग है जो इंटेगुमेंट से नहीं कवर हुई न्यू सेल्स की. सो प्लीज कीप इट इन माइंड, याद रखा करो एंड लिख लो इन चीजों को. सो एट द माइक्रोपाइलर एंड टू सिनर्जिड्स आर प्रेजेंट. See, these synergistic cells are also known as a helping cells or cooperative cells also. See, these synergistic are large cell having a vacuole toward the chalazal end. See, this vacuole is present toward the chalazal end and the nucleus is present in the center. Nucleus is centrally placed and it is a dense cytoplasm. It contains a dense cytoplasm. And this is something important, which is the micropylar end have some cellular thickening. कि यहाँ पर जो हमारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यहाँ पे जो हमारा सिनर्जी सेल है उसका जो हमारी पेरिफेरी है, सेल वॉल है, उसकी ही आउटग्रोथ है. दिस इज नोन एज अ फिलीफॉर्म प्रेटस. राइट एवरीबडी, दिस फिलीफॉर्म प्रेटस विच गाइड द पॉलन ट्यूब एंट्री. कि पॉलन ट्यूब में यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड कि वहां पर इसके क्या क्या फंक्शन रहेंगे. सो दीज टू सिनर्जी एंड इनके हमारे सेंटर में यहाँ पर प्रेजेंट है द मेन, दैट इज फीमेल गैमेट, इज अ लार्ज फीमेल गैमेट प्रेजेंट है इनके सेंटर में. और वी कैन से दिस एग, दिस फीमेल गैमेट इज सराउंडेड बाय द सिनर्जिस ऑन इट्स लेटरल साइड. कि दोनों साइड से हमारा क्या है, सराउंडेड है फ्रॉम, कि फीमेल गैमेट दोनों साइड से सराउंडेड है. सी इट इज अ लार्ज इन साइज कंपैरेटिवली, आप देख सकते हो सिनर्जिस से लार्ज रहेगा एंड रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट एंड सो इट्स न्यूक्लियस इज ऑल्सो यूजली सेंट्रली प्लेस्ड. यहाँ पर हम इसको डॉटेड स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं कि अगर आप इसका देखना चाहो 3D स्ट्रक्चर. दिस इज एग और ऊ स्फेयर विच इज रिप्रेजेंटिंग द फीमेल गैमेट. दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर इनकी इक्वलेंट टर्म्स क्या रहेंगी, जो हमारी एग की लोकेशन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सी सेल्स इसके साथ प्रेजेंट है. सो मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन आर गोइंग टू फ्रेम फ्रॉम दिस टॉपिक. Out of these seven cells, these are the three antipodal and these three forming the egg apparatus. Two synergid and one egg cell, these two combined form the egg apparatus. And the third one and the last seventh is this large so the seventh cell is this large central cell which is bounded by the membrane of embryo sac itself and it has a two centrally placed polar nuclei. As I told you in the last video, so this is the complete central cell and this central cell contains two prominent nuclei. These are known as polar nuclei. Which later fuse to form secondary nucleus or central nucleus. This is a central cell which is a highly vacuolated. इसमें जो हमारा cytoplasm है, that is a highly vacuolated. This is a central cell. You can see these are the three antipodal cells and three cells in the egg apparatus, total six, and the seventh is this nucleus. If we talk about this eight nuclei, they are the three nuclei here, and these are the two, means total eight nuclei are forming. And if we talk about this
central cell. This is a highly vacuolated. It has a large number of vacuoles in this. चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड में इसके जरा नोट्स देखते हैं कि एक एक पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि उसका क्या क्या फंक्शन रहेगा, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो लेट्स सी दिस थिंग. सो गाइस, एम्ब्रियो सैक एज वी नो इट इज अ ओवल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एंड इट हैज 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन. सो दीज 7 सेल्स आर यूजली अरेंज्ड इन 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप एंड द फर्स्ट ग्रुप इज एग प्रेटस at the micropylum end, and the second group is of antipodal cells towards chalazal end, and the third is central cell. This egg apparatus is the group of 3 cells. And what is its location? Agar location ki baat kare, it is present at the micropylar end. Kahan pe present hai? Present at micropylar end. आप इस फिगर में भी देख सकते हो साइड बाय कि यहां पर हमारे micropylar end पर हमारे ये 3 सेल्स प्रेजेंट हैं. दिस इज अ एग apparatus जिसमें हमारे क्या है 2 synergids एंड 1 egg cell. सो यू कैन सी दे आर arranged इन द ट्राइंगल फॉर्म. यू कैन सी दीज सेल्स आर arranged इन ट्राइंगल फॉर्म कि मिडल में हमारा क्या प्रेजेंट है ओस्फेयर और एग एंड इन द लेटर दीज आर द सिनर्जीज. सो गाइस जितने भी ये जो हमारे सेल हैं दैट इज एग प्रेटस एंटीपोडल जो सेंटर सेल दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर कि इनके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन प्रेजेंट है सारे सेल्स के अंदर. सो एग प्रेटस की बात कर रहे थे यहां पर देखो इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 सेल दैट इज 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जीज एंड इट इज प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड. आप देख सकते हो साइड बाय फिगर में अगर हम एग सेल की बात करते हैं इट इज द लार्जर देन सिनर्जिड्स. सो दिस एग सेल यू कैन सी इन दिस फिगर्स आल्सो इट इज द लार्जर देन सिनर्जिड एंड चलिए आगे देखते हैं. यहां पर सिनर्जिड की अगर हम बात करें दीज आर आल्सो नोन एज हेल्प सेल्स कि इनको हम और क्या बोलते हैं. दीज आर आल्सो दिस इज अ शॉर्ट फॉर नोन एंड दिस इज आल्सो नोन एज अ हेल्प सेल्स और कॉपरेटिव सेल्स. दे जनरली हैव लिटल हुक्स जो कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो इस फिगर में कि जो हमारी एनसीईआरटी वाली फिगर है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने हुक नहीं बनाई वहां पर. बट यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि यहां पर लिटल हुक्स बनी हुई है. सिनर्जी यूजली प्रेजेंट ऑन द लिटल साइड ऑफ दिस एग एंड दे बियर टर्मिनल filiform finger like projections which are known as a filiform apparatus. Terminal finger like projection which is known as filiform apparatus are also present in synergids. And agar hum baat kare synergids ki is filiform apparatus ek aisa structure hai jo kuch aise chemical release karega that will attract the pollen tube entry ki guide karega pollen tube ko ki synergid kahan par present hai wahan par enter karna hai. So it secretes some kind of a chemical secretion jo usko attract karte hain pollen tube ko. So it basically guide the pollen tube entry this filiform apparatus. सो जी सिनर्जीज आर यूजली प्रेजेंट ऑन द लिटल साइड ऑफ दिस एक्सेल. दो सिनर्जीज हैं दे आर ऑल्सो नोन एज हेल्प सेल्स कॉपरेटिव सेल्स. देखते हैं इनके फंक्शन क्या है जिसकी वजह से इनको हम हेल्प सेल कॉपरेटिव सेल्स बोलते हैं. सिंस सी द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन. दे आर एब्जॉर्प्टिव इन नेचर. वी नो दिस एम्ब्रियो सेक स्ट्रक्चर इज एम्बेडेड इन द न्यूसेलस. तो ये आसपास वाले जितने भी न्यूसेलस सेल्स है वहां से क्या लेता है न्यूट्रिशन. सो इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन. सेकेंड इज इट गाइड पॉलन ट्यूब एंट्री. अब वो देखो गाइडेंस कैसे करेगा. ये जो इसका फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स प्रेजेंट है आप देख सकते हो डायग्राम में. इस फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का जो पूरा हमारा टिप वाला रीजन है वहां से कुछ केमिकल सिक्रेशन कुछ अट्रैक्टेंट केमिकल वहां से रिलीज होते हैं दैट विल गाइड द पॉलन ट्यूब की कौन से सिनर्जी में कहां पर एंटर करना है. क्लियर. सो दिस थर्ड इट ऑल्सो एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर.
सी जब यहाँ पर पॉलन ट्यूब की एंट्री होनी है वहां पर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेल गैमेट हमारा डेंस साइटोप्लाज्म कंटेंट प्रेजेंट है। सी जब कोई स्ट्रक्चर हमारा एंटर करता है किसी में पेनिट्रेट करता है वहां पे मैकेनिकल फोर्स तो जरूर लगता है। सो उसमें क्या है इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर की जो हमारा पॉलन ट्यूब है उसको कोई इंजरी ना हो उसको कोई हार्म ना हो बिकॉज इट कैरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटीरियल जिसकी वजह से आगे वाला प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होना है। सी एंड द फोर्थ फंक्शन इज इट फॉर्मिंग अ सीट फॉर द पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज। जब पॉलन ट्यूब एंटर करती है तब हमारा एक सिनर्जी डीजनरेट हो जाता है। जब हमारा क्या है पूरा मटीरियल अपना वहां पर डिस्चार्ज करेगी रिलीज करेगी तब हमारा सेकेंड सिनर्जी भी क्या है डीजनरेट हो जाता है। मीन्स इट प्रोवाइड अ काइंड ऑफ अ सीट की एक सर्फिस प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर पॉलन ट्यूब अपना पूरा मटीरियल डिस्चार्ज करेगी फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। डन एवरीबडी आई थिंक इट्स क्लियर टू यू पीपल। एंड इवन जो हमारा मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि जो प्रीवियस ईयर के उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही था स्टेट द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स फाउंड इन द मैच्योर एम्ब्रियो सेल। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स जस्ट लुक इट गाइड द पॉलन ट्यूब एंट्री बाय रिलीजिंग सम केमिकल अट्रैक्टेंट विच अट्रैक्ट द पॉलन ट्यूब। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू पीपल। सो नेक्स्ट मूव टू दिस एंटीपोडल सेल्स। So if we talk about these antipodal cells, these are three in number, these are three cells, these are present at the chalaza end. These are present toward the chalazal and they are also kind of means, they also behave as a vegetative cells because inka reproduction mein ya fertilization mein koi important role nahi hai but they behave as a vegetative cells means they absorb the nourishment from the nucellus ki isko jo hamare surrounding cells hai you can see in this diagram also ki jo hamare antipodal cells present hai they are surrounded by the nucellus cells ki nucellus cells se hamara kya hai nourishment absorb karenge and that will provide to the later tissues. राइट एवरी वन नाउ कम टू दिस सेंट्रल सेल। जी सेंट्रल सेल पे आ जाओ। दिस इज द लार्जेस्ट सेल। अगर हम सबसे इन सेल्स से कंपेयर करें दिस इज द लार्जेस्ट सेल। दिस इज द लार्जेस्ट सेल विच इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ एम्ब्रियो सैक जो कि हमने पहले वाले डायग्राम में लेबल भी किया है। सो इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई। टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जी इसके बीच में। टू पोलर न्यूक्लियाई विच लेटर ऑन फ्यूज टू फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। दिस इज सेंट्रल न्यूक्लियस और वी कैन से सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो दीज आर द सम इक्विवेलेंट टर्म टू दीज पोलर न्यूक्लियर व्हेन दे गेट फ्यूज्ड। कि जब ये फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट बनाएंगे हमारा न्यूक्लियस बनाएंगे दैट न्यूक्लियस इज नोन एज फ्यूजन न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो दिस इज ये जो तीन टर्म्स बताए हैं मैंने ये हम तब यूज करेंगे जब दोनों पोलर न्यूक्लियर आपस में फ्यूज कर जाते हैं तब। ओके सो जी इट इज रिच इन गॉल्जी बॉडीज एंड कंटेन्स अ रिजर्व फूड मटीरियल। की वैक्यूलेटेड रीजन है पूरा वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे इन द सेंट्रल सेल। यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो की वैक्यूल प्रेजेंट है नंबर ऑफ। उसके अलावा इसमें गॉल्जी बॉडीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगी दैट इज रिच इन गॉल्जी बॉडीज एंड द रिजर्व फूड मटीरियल। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी डिस्कस करने जा रही हूँ मैं। दिस इज अ प्लाइडी लेवल ऑफ ईच सेल की जो हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। सी ये जो पूरा हमारा एम्ब्रियोसेक स्ट्रक्चर है यूजली कहाँ से जनरेट हुआ है फ्रॉम अ मेगास्पोर। जो चेलाजल एंड वाला फंक्शनल मेगास्पोर था उससे जनरेट हुआ है दिस एम्ब्रियोसेक स्ट्रक्चर। वो भी हैप्लॉइड सेल था एंड जितने भी इसमें सेल्स हैं वो भी हैप्लॉइड होने वाले हैं बट बी केयरफुल देखो जरा। सो दिस एग सेल इज ऑल्सो हैप्लॉइड। वी कैन राइट इट एन। जो भी हैप्लॉइड टर्म होती है उसको हम एन लिखते हैं। दीज टू सिनर्जीज हैं सो दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। जितने भी हमारे एंटीपोडल सेल्स हैं दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड दैट इज हैविंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। बट सेंटर सेल दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि देखो यहाँ पर टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। टू पोलर न्यूक्लियाई हमारी एन एंड एन दो पोलर न्यूक्लियाई हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है। सो दिस सेंट्रल सेल इज डिप्लॉयड। जी डिप्लॉयड इन नेचर। क्लियर एवरीबडी। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू पीपल। सी दिस प्लाइडी लेवल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल द cells of embryo sex are haploid except this central cell which become this diploid after the fusion of these two polar nuclei. This is something very important जो हमारे generally exam में आते हैं। The rest जो हमारे question मैंने पूछे थे generally वो हमारे किस पे based आएंगे diagram पे based आएंगे। आपको एक mature embryo sac का diagram अच्छे से draw करना आना चाहिए उसकी practice करो then you will get to know कि इसको कैसे draw करते हैं कैसे कौन से cell कहाँ पर कौन से end पे present है।
चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हम अब आंसर्स जरा डिस्कस कर लेते हैं, जो प्रीवियस वीडियो के आंसर्स थे, देख लेते हैं क्या चीज है अभी। हाँ जी, योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि राइट लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सेनर्जी। ये कि हमने आज भी कर लिया है और उस वीडियो में भी किया था। इसकी लोकेशन क्या रहेगी भी सेनर्जी की, दैट इज देयर प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, इट गार्ड द पॉलन ट्यूब एंट्री एंड इट एब्जॉर्ब द नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूसेलस सेल्स। अ नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर एंड इट आल्सो एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड फॉर्मिंग अ सीट फॉर द पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज। आज ही नंबर ऑफ फंक्शंस भी करे हमने इसके, जबकि हमारे उस वीडियो में भी डिस्कस हुए हैं इन बिटवीन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन इज फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। सो फर्स्ट ऑप्शन ओव्यूल, सेकंड मेगास्पोर मदर सेल, थर्ड एम्ब्रियो सैक, फोर्थ इज न्यूसेलस। सी, ओव्यूल को हम बोलते हैं जी इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोर मदर सेल हमारा काइंड ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू है, दैट विल अंडरगो मियोसिस। एम्ब्रियो सैक, दिस इज नोन एज अ फीमेल गैमेटोफाइट। सो राइट आंसर इज दिस थर्ड ऑप्शन। न्यूसेलस वी नो कि मेगास्पोरेंजियम रिप्रेजेंट कर रहा है। दीज आर द इक्विवेलेंट टर्म्स फॉर दीज फोर ऑप्शंस। So the next third question is, in a typical embryo sac, the nuclei are arranged as 3 plus 2, 3, 3 plus 3 plus 2, C option 2 plus 3 plus 3 and a D option 2 plus 4 plus 2. See, अगर आपको हमने आज भी किया है, इवन उस दिन भी ऑब्वियस हमने लास्ट वीडियो में किया है, दैट्स वाई ये जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे लास्ट में, देखो हमने कि 3 nuclei arranged at the micropylar and 3 at the chalazal and the 2 nuclei in the center. So the arrangement is 3 plus 2 plus 3. So the right answer is A. That is option A. Is the functional megaspore of an angiosperm develops into functional megaspore है जो हमारा वो किसमें develop होता है? देखो functional megaspore हमारा बना है megaspore mother cell से जिसमें meiosis हुई थी। And ये जो हमारा functional megaspore है इसमें 3 mitosis होंगी, that will lead to formation of the embryo sac. See, your first option was embryo, second was ovule, third is embryo sac, fourth is endosperm. See, don't confuse in this embryo and embryo sac. These are totally different term. Just हमारा sac word का difference है यहाँ पर। अगर आप embryo के साथ sac नहीं लगाते हो, embryo that is a totally different structure that is formed after the fertilization. कि zygote develop करेगा तब embryo बनता है। And जो embryo sac structure है वो अभी fertilization से पहले बना है जी, जिसमें हमने वही antipodal, egg apparatus, center cell वो सब हम करते हैं structure, that is female gametophyte. Clear? Starting from the innermost part, the correct sequence of the parts of an ovule are. You just recall the structure of this anatropous ovule. उसमें ध्यान से देखो कौन सी चीज center में present है, then उसके बाद बाहर बाहर कौन सी चीज present है. See in this structure, you can see that the center most में हमारा क्या present है. First option देखो जरा, center most में egg present है, उसके बाद कह रहे हैं nucellus, ठीक है nucellus भी है. थर्ड कह रहे हैं बी embryo sac, nucellus के बाहर कहाँ embryo sac है बी. So this option is wrong. B option पे देखो, द सेंटर में कह रहे हैं एग प्रेजेंट है, फाइन. एंड द सेकंड इज एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही है, ठीक है जी. एंड द थर्ड इज न्यूसेलस प्रेजेंट है इसके आसपास, ओके न्यूसेलस है, देन उसके बाद इंटेगुमेंट है. दिस इज समथिंग करेक्ट जी. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, बी अभी रखो साइड पे, ये करेक्ट ऑप्शन है. देन सी देखो, सी कह रहे हैं सेंटर में एम्ब्रियो सैक, हाँ जी प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक. देन दैट इज सराउंडेड बाय न्यूसेलस, न्यूसेलस भी प्रेजेंट है उसमें. देन उसके बाद इंटेगुमेंट भी प्रेजेंट है, ओके. बट एग कहाँ से आ गया जी, आउटर मोस्ट रीजन में एग तो है नहीं. सो दिस इज रॉन्ग. डी ऑप्शन सी, सेंटर में एग है, देन उसके बाद इंटेगुमेंट, फाइन इंटेगुमेंट्स तो है जी साइड पे. देन उसके बाद एम्ब्रियो भी, न्यूसेलस, दिस इज टोटली रॉन्ग. ये जो अरेंजमेंट हमारी रॉन्ग है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. चलिए जी, आज जो आज के क्विज सेशन पे जो हमारे आज के टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑब्वियस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैंड्री न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय. ऑप्शन वन दैट इज एंटीपोडल सेल, सेकंड एग एपरेटस, थर्ड इज सिनर्जिड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज टू पोलर न्यूक्लियर. सी, हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बनता है आज ही डिस्कस हुआ है, सो यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिलीफॉर्म प्रेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. कि किसका फीचर है फिलीफॉर्म प्रेटस. ऑप्शन इज जेनरेटिव सेल, सेकेंड न्यूसेलर एम्ब्रियो, थर्ड एलोरॉन लेयर एंड द डी इज सिनर्जिड. किसका फीचर है जी बताओ. ये सीबीएसई का आपका 2015 का क्वेश्चन है. यहाँ से इस टॉपिक में अक्सर बनते हैं, काफी एमसीक्यूज बनते हैं. एंड इवन जो हम कमिंग टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज अ पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो हमारे अक्सर आते हैं इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम अमंग द सेट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो, identify those that are associated with gynoecium. Option A, stigma, ovule, embryo sac, placenta. Option B, thalamus, pistil, style, ovule. Option C,
ovule, ovary, embryo sac, capitum. Option D, ovule, stamen, ovary, embryo sac. जस्ट गो थ्रू फ्रॉम दिस ऑप्शन कि कौन सा हमारा गायनोशियम के साथ एसोसिएटेड टर्म्स है और कौन सी नहीं है. एंड सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे जी. क्लियर एवरीबडी? आई थिंक एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यूर पीपल कि हमारा प्लाइडी लेवल क्या होने वाला है, फंक्शन क्या है सेनर्जिक के, फिलिफॉर्म के, एंटीपोडल सेल के क्या फंक्शन होने वाले हैं, सेंट्रल सेल का क्या फंक्शन है. सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यूर पीपल. द कमिंग वीडियो विल डिस्कस द पॉलिनेशन एंड इट्स दैट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो.